हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 31 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इंसेंटिव्स अंडर दिस स्कीम अप्लाइज टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, द स्कीम विल प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स टू ऑल द सनराइज एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। थर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा, उस सेक्टर के अंदर जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के बेसिस पे जो एंटिटीज है उनको कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट? तो यहां पे सिर्फ गुड्स को कवर किया जाता है, सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, यहां पे कैश इंसेंटिव्स मिलेंगे टू ऑल दी सनराइज एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। इंपॉर्टेंट सेक्टर पता चलता है, लेकिन ये सनराइज सेक्टर क्या है? सनराइज सेक्टर्स आर दोज सेक्टर्स विच आर न्यू इन द मार्केट एंड विच हैव पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग वेरी फास्ट, जिसका ग्रोथ रेट जो है वो काफी फास्ट है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, अगर सनराइज सेक्टर्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, देन इट कैन बी हेल्पफुल इन ड्राइविंग अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये सनराइज सेक्टर्स हुए, फॉर एग्जाम्पल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो ये सारे सनराइज सेक्टर है जो नए सेक्टर है, और अगर उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है देन इट कैन गिव यू अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर ये स्कीम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। करंटली इसके अंदर चार सेक्टर्स है, लेकिन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इसके अंदर 9 to 10 सेक्टर्स को ऐड किया जाए। सो नीति आयोग से रिलेटेड आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, जिसके अंदर नीति आयोग ने ये कहा है कि इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, और यहाँ पे ये जो पीएलआई स्कीम है उसके बारे में बात की गई है कि इस स्कीम के अंदर अभी फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी सेक्टर्स जो है वो इंक्लूडेड है, और नए 6 सेक्टर्स को ऐड करने जा रही है गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, अंडर विच ऑफ द सर्कमस्टेंसेस अ कंट्री कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री। ऑप्शन ए, अ कंट्री लेवीज टैरिफ अपॉन फॉरेन गुड्स टू प्रमोट लोकल गुड्स। सेकेंड, अ कंट्री बैनिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर हाईली डिमांडेड बाय फॉरेन कंट्रीज। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। दोनों केसेस में कोई कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट कहलाएगी। अब देखिए पहला केस क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू कंट्रीज ए एंड बी। अब कंट्री बी जो है वहां से कोई पर्टिकुलर गुड्स कंट्री ए के अंदर एक्सपोर्ट होता है, और वही पर्टिकुलर गुड जो है वो कंट्री ए के अंदर मैन्युफैक्चर भी होता है, लेकिन ये गुड्स जो है वो चीप है एज कंपेयर टू दिस डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इट इज कॉस्टली। अब ये ए कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अगर अप्लाई करेगी तो क्या होगा, ये जो इंपोर्टेड गुड्स है, मतलब कि यहां से जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उन कंट्री के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, उन कंट्री के उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएगी एज कंपेयर टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को क्या कहेंगे, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा,
क्योंकि ये कंट्री जो है वो अपने खुद के कंट्री को बचाने के लिए उसको उसके जो गुड्स है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, अगर मान लो कि ये कंट्री बी जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से बैन कर देती है, कंट्री ए इज हाईली डिमांडिंग दिस प्रोडक्ट, बट यहां पे लोकल सप्लाई जो है उसको बनाए रखने के लिए कंट्री बी जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से बैन कर देती है, तो ऐसे केस में ये बी कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट कहलाएगी, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रही है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। तो ये बी जो है वो भी करेक्ट होगा, आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। सो जब ये पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसके अंदर काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है उसकी वजह से इंडिया जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाएगा, एंड इंडिया इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो इसके चलते नीति आयोग जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी साथ में हम प्रमोट करेंगे, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, इसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड जो है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कोड ऑन वेजेस 2020। फर्स्ट, स्टेट वाइज फ्लोर वेज विल बी डिसाइडेड बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड, अंडर दिस न्यू कोड मिनिमम वेजेस मैकेनिज्म विल नॉट रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अंडर दिस कोड द फ्लोर वेज विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट हैव एनी से इन दिस मैकेनिज्म। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एक बार अगर कोई फ्लोर वेज सिलेक्ट हो जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर उसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, एंड दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ दिस कोड कि जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है फ्लोर वेज डिसाइड करने के लिए। तो स्टेट टू स्टेट इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अलग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट के लिए एक ही फ्लोर वेज डिसाइड करेगी, तो इस वजह से ये प्रोविजन जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, अर्लियर ये मैकेनिज्म था अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर दिस एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में इस एंटिटी को ऐड करना पड़ेगा, देन उसके बाद ये जो मिनिमम वेजेस है वो इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू होंगे। अर्लियर ये मैकेनिज्म था, अभी इस नए कोड के अंदर गवर्नमेंट ने ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो कैंसल कर दिया है, मतलब सभी एंटिटी के अंदर मिनिमम वेजेस जो है वो लागू होंगे, ये मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की कंडीशन जो है वो अभी फुलफिल नहीं होगी तो भी चलेगा। तो इस वजह से देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिनिमम वेज एंड फ्लोर वेज। यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये दोनों में से कौन सा वेज रेट देना है लेबरर्स को, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी स्टेटमेंट है। तो सेकेंड जो है वो करेक्ट है, आंसर इज बी सेकेंड ओनली। कोड ऑन वेजेस जो है वो फिर से न्यूज में है, बिकॉज न्यू वेज कोड बार्स बोनस फॉर दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज चार्जेस। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फर्स्ट, ईसीआई दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू इश्यू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सेकेंड, इट हैज सर्टेन लीगल बैकिंग। थर्ड, द कोड कम्स इन टू फोर्स ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी वन एंड थ्री, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर्स है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे इश्यू कर सकते हैं, बट इट इज नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज
नॉट अ स्टेच्यूटरी गाइडलाइन, इसको कोई पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इश्यू नहीं किया गया है, इट इज अ वॉलंटरी गाइडलाइंस जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी होती है। जैसे उनकी स्पीच क्या होनी चाहिए, उनके मैनिफेस्टो में वो क्या चीज़ लिख सकते हैं, उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए, कैंपेनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, स्टार कैंपेनर कौन होगा, उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है। सो इट डज नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग, तो इस वजह से ये सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है, जैसे ही इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर होती है तभी से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। सो द आंसर इज सी, 1 and 3। सो अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कमलनाथ, उनको स्टार कैंपेनर के तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने रिवोक कर दिया है बिकॉज ऑफ वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, सरदार पटेल। बिस्मार्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एंड वी ऑल नो दैट सरदार पटेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो इस वजह से आंसर होगा, उनको यह भी टाइटल दिया जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आंसर इज सी, सरदार पटेल। अब देखिए आज सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है और इस पर्टिकुलर डे को हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सरदार पटेल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स आर गिवन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया, सेकेंड पैट्रन सेंट ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज एंड थर्ड देश रत्न। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। आयरन मैन ऑफ इंडिया ये काफी फेमस टाइटल है, आप सभी को पता होगा कि ये सरदार पटेल को दिया गया है। पैट्रन सेंट ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, उन सभी को ये मालूम होगा कि मॉडर्न सिविल सर्विसेज के एस्टैब्लिशमेंट के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है, राइट। देश रत्न टाइटल जो है इट इज गिवन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है देश रत्न का टाइटल। ऐसा ही एक सिमिलर टाइटल है विश्व रत्न, ये विश्व रत्न टाइटल जो है वो डॉक्टर बी आर आंबेडकर के लिए यूज होता है, राइट। सो ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, आंसर इज ए, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सरदार पटेल। फर्स्ट खेड़ा सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन विच ही टुक पार्ट एंड अटेन द टाइटल ऑफ सरदार। सेकेंड ही प्रिसाइडेड ओवर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 वॉज द फर्स्ट मास मूवमेंट जिसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन वहां से उनको ये टाइटल नहीं मिला था। इट वॉज इन 1928 when he took part in the Bardoli सत्याग्रह, और उस सत्याग्रह के अंदर उनको ये सरदार का टाइटल मिला था, तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि कराची सेशन जो हुआ था 1931 में आफ्टर साइनिंग दी गांधी इरविन पैक्ट, उसके अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल, तो सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। और आप सबको पता होगा कि इस साल प्रीलिम्स के अंदर गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट महर्षि वाल्मीकि। फर्स्ट ही इज सेलिब्रेटेड एज द हार्बिंजर पोएट
इन संस्कृत लिटरेचर. सेकेंड, ही रोट द फर्स्ट एपिक पोएम ऑफ संस्कृत लिटरेचर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट. महर्षि वाल्मीकि जो है उन्हें संस्कृत लिटरेचर के फर्स्ट प्रमोटर भी कहा जाता है, बिकॉज ही रोट द फर्स्ट एपिक पोएम जिसका नाम क्या है, विच इज वेरी फेमस, रामायण, विच इज द फर्स्ट एपिक पोएम इन द संस्कृत लिटरेचर, राइट. अराउंड उसके अंदर 4 लाख वर्ड्स है और कहा जाता है कि इट इज 1/4 ऑफ द महाभारत. तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी. आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू. टुडे इज द जयंती ऑफ महर्षि वाल्मीकि, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंदिरा गांधी. फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर टू रिकॉग्नाइज ईस्ट पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री. सेकेंड, शी इज नोन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ खालिस्तान सपोर्टिंग टेररिस्ट इन पंजाब. एंड थर्ड, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड बोफोर्स स्कैंडल हैपन्ड ड्यूरिंग हर टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड टू, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट. इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, और उन्हीं के टाइम पे ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. जब 1980s की बात आती है तो उस टाइम पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनकी गवर्नमेंट ने फेस किया है वो थी द स्टेट्स वर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस, और उसके अंदर सबसे आगे था पंजाब स्टेट. पंजाब के अंदर जो खालिस्तान सपोर्टिंग टेररिस्ट थे उन लोगों ने ये पंजाब एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी. देन दीज टेररिस्ट ऑक्यूपाइड दी हरमिंदर साहिब विच इज नोन एज गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल को उन्होंने अक्वायर कर लिया था और फिर उनके साथ काफी सारी नेगोशिएशंस भी हुई. जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी ने आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि ये पर्टिकुलर प्लेस जो है उसको ऑक्यूपाई किया जाए, और वहां पे आर्मी ने एक्शन लिया. उस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर ये जो गोल्डन टेम्पल है विच इज द होलीएस्ट श्राइन ऑफ सिख कम्युनिटी, तो उसको थोड़ा नुकसान भी हुआ, और साथ में अराउंड 450 सिख लीडर्स जो है, सॉरी 450 सिख पीपल, उनकी डेथ भी हो गई. तो इस वजह से इसका रिएक्शन ये आया कि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे ही वॉज ऑल्सो अ सिख, जिन्होंने इंदिरा गांधी का असासिनेशन कर दिया. देन इंदिरा गांधी डाइड. सो सी इज नोन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ खालिस्तान सपोर्टिंग टेररिस्ट इन पंजाब. सेकेंड जो है वो करेक्ट है. जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनका बेटा जो है वो राजीव गांधी वो प्राइम मिनिस्टर बने, और ये दोनों जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड बोफोर्स स्कैंडल वो राजीव गांधी के टाइम पे बना था, राइट. तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो गलत होगा. आंसर इज ए, वन एंड टू. एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. फर्स्ट, इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड यूके. सेकेंड, बे ऑफ बिस्के इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड यूके. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट. इंग्लिश चैनल यहां पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस है और यहां पे है यूनाइटेड किंगडम. सो ये दोनों के बीच में जो वाटर चैनल है उसका नाम क्या है, इंग्लिश चैनल. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज ये है बे ऑफ बिस्के. सो इट इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन. ये फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है बे ऑफ बिस्के, तो इस वजह से ये गलत होगा. आंसर इज ए, वन ओनली. फ्रांस के जो रिमार्क्स थे रिसेंटली, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, इस वजह से ये कंट्री जो है वो न्यूज में है.
ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।